हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगी वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी कितना इसे ईसा पूर्व से लेकर कितने ईसा पूर्व तक के काल को हम पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कहते हैं। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को हम ऋग वैदिक काल जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके पास 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो उत्तर वैदिक काल का पीरियड है, टाइम पीरियड, वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो हमारी जो वैदिक सभ्यता थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व थी। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन आपके पास, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे वो डी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, यानी नगर में भी निवास करते थे, और अगर आपको अगर उन्हें वन में रहना पड़े तो वन में भी रहते थे। जरूरी नहीं था कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ नगर में ही रहते थे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तंबाकू का जो ज्ञान था वो वैदिक काल के लोगों का नहीं था, यानी वैदिक काल के लोग तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यजमान, श्रमण, अथर्वन या श्रेष्ठिन। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है कौन सा। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभ सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सुलभ सूत्र है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। ये इजी क्वेश्चन है, तो इसे आप बताइए कमेंट करके कौन सा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ऋग्वेद है उससे प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक या वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए, यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सही क्रम है ग्रंथों का उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए थे। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या 5। तो हम जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, वेद त्रयी कहलाते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर आपसे कह रहा है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईस उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य बिजनेस था, व्यवसाय था, वो कौन सा था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो ऋग वैदिक आर्य थे वो पशुपालन में अधिक ध्यान देते थे, यानी पशुपालन बहुत करते थे। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहलाता है वो कौन सा है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामवेद क्या कहलाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। जो हमारी भारतीय संगीत उत्पन्न हुई वो सामवेद से ही उत्पन्न हुई, और जो सात हमारे सारे गामा पा धानी ये जो सात स्वर है ये सामवेद में ही दिए गए हैं, सामवेद से लिए गए हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु, चाणक्य, उपचंद्रगुप्त या सेल्यूकस? तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रथम विधि निर्माता है वो है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन, भूमि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ऋग्वेद के लोग थे वो संपत्ति के रूप में गोधन बहुत ज्यादा उनके काल में प्रमुख था, यानी गोधन संपत्ति का प्रमुख रूप था। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, सातवें मंडल में, आठवें मंडल में, नवें मंडल में या दसवें मंडल में? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दसवें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र का भी उल्लेख मिलता है, यानी वहां जो दिया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके काम के अनुसार उन ब्राह्मण के बोला गया कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, और जो वैश्य हैं वो ब्रह्मा के क्या कहते हैं नाभि से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ दसवें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है जहाँ शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18, 19, 20 या 21? तो हमें पता है पुराणों की संख्या क्या है, 18 है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? तो राइट ऑप्शन बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था वो प्रकृति की उपासना था, और देवी माता और पशुपति की उपासना ये आपकी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर कह रहा है कि सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल? तो यहाँ कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ज्यामिति हो जाएगा कि जो सुल्व सूत्र है वो ज्यामिति से रिलेटेड प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से या पुराण से? यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय ये जो लिया गया है ये उपनिषद से लिया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आर्य भारत में बाहर से जब आए तो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सही मैच करना है, एक तरफ वेद दिया हुआ है, एक तरफ उनके यज्ञकर्ता दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें क्या कहते थे, होत्र कहते थे, यजुर्वेद के अधर्व कहलाते थे, सामवेद के उद्रात कहलाते थे और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहलाते थे। यानी आपका सही मैच हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। यहाँ ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, अच्युत गौतम, उलूक कड़न या पतंजलि? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है उलूक कड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मीमांसा, जिसे हम पूर्व मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, के दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके जैमिनी। फिर आपसे कह रहा है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल या दसवां मंडल? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका। यहाँ जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो ऋग्वेद का नौवां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध, जिसे दास राज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दास राग का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी को आज के टाइम पर रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, यानी परुष्णी का जो आधुनिक नाम है वो है रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि धर्म शास्त्रों में जो भू राजस्व की दर बताई गई है वो है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उसे ब्राह्मण युग के नाम से जानते हैं, यानी ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अछूत की अवधारणा थी वो धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि एशिया माइनर स्थित जो बोगाज कोई है, यानी बोगाज कोई क्या है, एक स्तंभ लेख है, उसका महत्व है, क्यों है? क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, या मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एशिया माइनर स्थित बोगाज गोई जो है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से चार वैदिक देवताएं जो थे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, उनका उल्लेख मिलता है, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाज गोई का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गायत्री मंत्र जो देवी सवित्र को संबोधित करता है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भगवद गीता में? तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? तो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है पतंजलि। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित। इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सही मैच करना है, एक तरफ वेद दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी दी हुई है। पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है?
ऋग्वेद में हम स्रोत और प्रार्थनाएं करते हैं, स्रोत दिए हुए हैं और प्रार्थनाओं के बारे में दिया गया है। यजुर्वेद जो है उसमें स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में दिया गया है। जो सामवेद है उसमें संगीत में स्रोत के बारे में दिया गया है। और जो अथर्ववेद है उसमें क्या तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में दिया गया है। तो सही जो मैच है वो कौन सा हो जाएगा, 4-2-3-1, 4-2-3-1। तो कौन सा है यहाँ, 4-2-1, 4-2, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4, 2, 1, 3, 4-2-1-3। तो यहाँ कोई 4-2-1-3 का ऑप्शन सही नहीं है, दिया नहीं हुआ है। तो इसमें से कौन सा 4-2-1-3, ये दिया तो है, यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ऋग्वेद है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं से रिलेटेड है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत में स्रोत और अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सिंधु नदी। जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी। फिर कह रहा है कि उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, कहाँ के शासक थे, काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के। तो जो राजा अशुपति थे वो केकय देश के शासक थे, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है, यानी आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के बीच में संवाद हुआ था और वो जो संवाद है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है, बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, यकेन उपनिषद में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये जो संवाद है ये आपका कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक नदी कुभा जिसे अभी के टाइम में काबुल के नाम से जानते हैं का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो काबुल नदी है वो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया था वो सांख्य दर्शन था। फिर कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी लौह धातु के प्रचलन के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो भारत में किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौसाम्बी या हस्तिनापुर। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो सामवेद है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। फिर कह रहा है कि प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है, भागवत, भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। या ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भागवत जो है वो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। फिर कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मीमांसा से। कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से रिलेटेड है। इसमें भी आपको सही मैच करना है। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद तो आपका संगीत से हो गया। और यजुर्वेद में क्या किया जाता है, बलिदान की विधि दी हुई है। और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद औषधियों से रिलेटेड है। तो आपका सही कूट कौन सा हो जाएगा, 3-1-2-4। तो यहाँ 3-1-2-4 दिया हुआ पहले ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि चरक संहिता जो नामक पुस्तक है वो किस विषय से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। ये चिकित्सा से रिलेटेड है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे, ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान दिए गए हैं वो यजुर्वेद में वर्णित हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक युगीन जो सभा थी वो कैसी थी, गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्र परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो वैदिक युगीन सभा थी वो मंत्र परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी, निरंकुश थी, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था या वंशानुगत राजतंत्र था। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है वो दर्शन की आरंभिक विचारधारा मानी जाती है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ हुई है, वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में। यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी छह जो भिन्न भिन्न भारतीय दर्शन है इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति आपके वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी वह दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहार। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लुहारगिरी थी वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सही मैच करना है, एक तरफ वेद दिए हुए, सॉरी एक तरफ उपवेद दिए हुए, एक तरफ संबंधित वेद दिए हुए हैं। तो देखते हैं, आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से रिलेटेड है, धनुर्वेद यजुर्वेद से रिलेटेड है, गंधर्व वेद सामवेद से रिलेटेड है, जो अर्थशास्त्र वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो यहाँ जो आपका सही मैच हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक, पहले मंडल से छठे मंडल तक, तीसरे मंडल से आठवें मंडल तक या चौथे मंडल से नौवें मंडल तक। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दूसरे मंडल से लेकर सातवें मंडल तक जो छह मंडल है उन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अथर्ववेद है उसमें जादुई माया और वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सभी का वर्णन किया गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 7, 8, 9 या 10। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो डी ऑप्शन है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। फिर कह रहा है कि आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से। या बी ऑप्शन सही हो जाएगी कि सर्वाधिक जो प्रचलित मत है कि ये है कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे, और ये मैक्स मूलर का मत था कि मैक्स मूलर ने बताया था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो ये यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अथर्ववेद में बताया गया है कि सभा और समिति जो थी वो प्रजापति की दो पुत्रियां थी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, सभा, समिति, विदत या परिषद। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो विदत थी वो ऋग वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है, ऐतरेय ब्राह्मण, सत्प्रत ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सतपथ ब्राह्मण है यानी सतपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है, यानी जो अनुलोम विवाह होता है उसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा कि जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे, गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से कोई नहीं। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदिक युग में जौ को यव के नाम से जानते थे।
फिर कह रहा है कि व्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चावल। व्रीह शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर कह रहा है कि अथर्व का मीनिंग क्या होता है, यानी अथर्व जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू। फिर आपको सही सुमेलित करना, एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड कांड दिए हो, शास्त्र दिए हुए हैं। तो शिक्षा आपका ध्वनि शास्त्र से रिलेटेड है, कल्प सूत्र कर्म कांड से रिलेटेड है, निरुक्त जो है वो भाषा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से रिलेटेड है, और छंद आपका छंद शास्त्र से रिलेटेड है। यहाँ 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा जो ए में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? तो इसकी रचना जो की है वो पाणिनि ने की है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पारसर स्मृति? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। फिर कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को या भागवत पुराण को? तो कमेंट करके बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीनतम पुराण माना जाता है। फिर कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सिंधु को, सरस्वती को, परुष्णी को या सतुद्री को? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। किसमें? ऋग्वेद में। फिर कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब, ग्राम, विश या जन? यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पहले कुल आता है, फिर उसके बाद ग्राम बनता है, फिर विश बनता है, फिर जन बनता है। तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो थी कुल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ऑप्शन आपके पास इंद्र, अग्नि, वरुण या सूर्य? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग वैदिक काल में इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है जो कि आपकी ऋग्वेद में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलुंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अथर्ववेद में ये बोला गया है कि जो सभा है वो सामूहिक वाद विवाद या अलुंघनीय होती है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, सत्पर ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद? यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता। इस क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को, इंद्र को, विष्णु को या रुद्र को? यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में जो सबसे सर्वोच्च स्थान जिस देवता को प्राप्त था वो थे प्रजापति, और उत्तर वैदिक की काल की बात करें तो वहाँ इंद्र हो जाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको सही मैच करना है, एक तरफ यज्ञ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी मीनिंग दी हुई है। पहला कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ किस लिए होता था? राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ था। जो अश्वमेध यज्ञ था वो राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ आपका सौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और जो अरिष्टनोम यज्ञ था वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। यानी 1, 2, 3, 4 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा जो कि ए में दिया है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिर आपको इधर ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिए हुए हैं और इधर आधुनिक नाम नदियों के दिए हुए हैं, आपको सही मैच करना है। जो परुष्णी नदी है तो उसे आज के टाइम में रावी नदी के नाम से जानते हैं, सतुद्री जो है वो सतलज के नाम से आज के टाइम में जानते हैं, अश्किनी जो है वो चिनाब नदी है और विपाशा व्यास नदी है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा जो ए में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार कितने हैं? 16 हैं, तो बी सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपको सही मैच करना है, कह रहा है कि ब्रह्म विवाह क्या होता है? तो ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह होता है। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह था। और प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह था। या 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फिर इसमें आपको सही मैच करना है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता था, आसुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह माना जाता था, राक्षस विवाह जो था वो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह माना जाता था, और पैसाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह माना जाता था। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 यहाँ भी सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि तीन ऋण में कौन शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो गाइस यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो मातृ ऋण है वो इन तीन ऋण में शामिल नहीं किए गए हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, गेरुवड़ी मृदभांड संस्कृति, चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ये चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित संस्कृति थी, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित दूषण मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र, यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो हरियाणा प्रांत में चित्रित दूषण मृदभांड स्थल जो पाए गए उत्खनन से वो भगवानपुर में पाए गए हैं, जो कि आपका हरियाणा प्रांत का क्या है, एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या ग्रह सूत्र में, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो विवाह सूक्त है सूर्य सूक्त वो ऋग्वेद में मिला है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय को ऋग्वेद में अघन्य के नाम से जानते थे, ऋग्वैदिक काल के लोग अघन्या कहते थे, यानी वध योग्य नहीं, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपको सही मैच करना है, जो संग्रहित होते थे वो कोषाध्यक्ष होते थे, भागदूत कर संग्रहणकर्ता को कहते थे, छत्री तो जो थे वो पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, और जो अछवाप थे वो राजप्रसाद का सच्छक होता था, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रित यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु, तो यहाँ ए ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। फिर कह रहा है कि कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, इंद्र, नासत्य, वरुण या मित्र, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वरुण को जल या समुद्र का देवता माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि तीन पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, सूर्य, सवित्र, मित्र या विष्णु, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों लोकों को तीन पगों में मापने का जो कार्य था विष्णु जी ने ही किया था, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपको सही मैच करना है, पूषण जो था वो विवाह का देवता माना जाता था, रुद्र पशुओं का देवता माना जाता था, धौंस जगत के पिता माने जाते थे, और जो अदिति थी वो देवों की महान माता मानी जाती थी, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मनु स्मृति जो थी वो मुख्यतः किससे रिलेटेड थी, समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि मनु स्मृति जो थी, जो सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है, वो समाज व्यवस्था से रिलेटेड थी। फिर कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसमें की गई थी, उसको किसने की थी, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो विश्वामित्र जी ने की थी, और गायत्री मंत्र किसमें पाया गया, ऋग्वेद में मिलता है, तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से, तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवेस्ता जो है वो ईरान का प्रमुख ग्रंथ है, ऋग्वेद भारत का है, अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत समानताएं मिली हैं, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है कि अवेस्ता आपका ईरान से रिलेटेड है। फिर कह रहा है कि कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, पहला है वे अश्वों, रथों और कास के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल सही बात है, वो लोग लोहे से परिचित थे, जी नहीं, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का जो उपयोग हुआ वो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किया, यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे का यूज हुआ था, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है, अस्किनी, परुष्णी,
कुभा या क्रमु, विपाशा या शतुद्री। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुभा और क्रमु जो नदियां हैं वो अफगानिस्तान से मिलती हैं, जिनमें से आर्यों के संबंध का की सूचना मिलती है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृत की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। रीत जो थी वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। फिर कह रहा है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पारजिटर ने, एसी दास ने, बीजी तिलक ने, जैकोबी ने। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो बीजी तिलक थे उन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो आर्कटिक होम से आए थे, यानी आर्कटिक होम उनका निवास स्थान था। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको एक तरफ वैदिक नदियां दी हुई हैं, एक तरफ आधुनिक नाम दिए हुए हैं, सही मैच करना है। जो कुभा है वो क्या है? काबुल नदी को कहते हैं, परुष्णी रावी नदी को कहते हैं, सदा नीरा आपकी गंडक हो जाती है, और जो शतुद्री है वो आपकी सतलज हो जाती है। तो कौन सा सही मैच हो गया आपका? 2 3 1 4। 2 3 1 4 किसमें दिया हुआ? 2 3 1 4 बी में दिया हुआ, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1017, 1020, 1028, 1128। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं टोटल, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व या वैदिक यानी ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो प्रकृति पूजा और यज्ञ पे विश्वास रखते थे और यही सब धार्मिक कार्य वो करते थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल को, महर्षि गौतम को, महर्षि कणाद को या महर्षि पतंजलि को? तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सत्प्रत ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्येद थे, विद्येद मानव, उनसे संबंधित ऋषि कौन से थे? ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम रघुगढ़। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सत्प्रत ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्येद माधव से, माधव जी थे, उनसे रिलेटेड जो ऋषि थे वो थे गौतम रघुगढ़। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ ई ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य स्रोत। इसमें कह रहे हैं कि किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? बृहत संहिता, महाभारत, रामायण या मनुस्मृति? यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाभारत को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में टोटल हमने 116 यानी 116 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।